फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम पूंजी की सीमांत क्षमता मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कीन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया था और हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है और प्रभावपूर्ण मांग स्वयं समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों, हमने देखा था कि अल्पकाल में समस्त पूर्ति फलन स्थिर होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो प्राकृतिक भौतिक साधन होते हैं और जो तकनीकी दशाएं हैं वह स्थिर होती हैं। इसलिए रोजगार बढ़ाने, आय और उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिए समस्त मांग फलन ही महत्वपूर्ण होता है। और हमने यह भी देखा था कि समस्त मांग फलन को उपभोग व्यय, विनियोग व्यय और यदि अर्थव्यवस्था त्रिक्षेत्रीय है तो सरकारी व्यय निर्धारित करते हैं। हमने यह भी देखा था कि अल्पकाल में उपभोग फलन प्रायः स्थिर होता है, इसलिए आय एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ाना आवश्यक है या सरकारी व्यय को बढ़ाना आवश्यक है। विद्यार्थियों, किसी स्वतंत्र उद्यम अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है ब्याज की दर और दूसरा पूंजी की सीमांत क्षमता, जिसको हम सूत्र रूप में लिख सकते हैं, आई इज फंक्शन ऑफ आर एंड ई। यानी यहाँ पर आर ब्याज दर है, ई पूंजी की सीमांत क्षमता मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। विद्यार्थियों, ब्याज दर निवेश का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है और नीची ब्याज दर होने पर निवेश प्रोत्साहित होता है और ऊंची ब्याज दर पर निवेश कम होता है। परंतु ब्याज की दर अल्पकाल में लोच रहित होती है और विनियोग स्तर को प्रभावित करने में असफल रहती है। और विद्यार्थियों, विश्व की महान विश्वव्यापी मंदी के समय जब ब्याज दरें अत्यंत नीची थीं तो भी विनियोग में वांछित वृद्धि नहीं हुई थी। तो कीन्स ने यह विचार व्यक्त किया कि निवेश ब्याज दर की अपेक्षा पूंजी की सीमांत क्षमता से प्रभावित होता है, अर्थात निवेश का महत्वपूर्ण निर्धारक घटक है पूंजी की सीमांत क्षमता। इस वीडियो लेक्चर में हम पूंजी की सीमांत क्षमता को ही डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, साधारण शब्दों में पूंजी की सीमांत क्षमता मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको हम शॉर्ट में MEC बोलेंगे, इसका अर्थ है निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ की अनुमानित दर, यानी लाभ की प्रत्याशित दर। विद्यार्थियों, वस्तु के एक खरीदार की भांति आसानी से जो निवेशक है वह अपने प्रतिफल का आकलन नहीं कर सकता। जैसे कोई वस्तु का खरीदार है, वह आसानी से किसी वस्तु विशेष से मिलने वाली उपयोगिता और उसकी कीमत की तुलना कर अपनी अतिरिक्त संतुष्टि को मालूम कर सकता है, लेकिन निवेशक आसानी से पूंजीगत वस्तु के प्रतिफल का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि विद्यार्थियों, सभी पूंजीगत वस्तुओं का जीवन काल लंबा होता है और उनसे प्राप्त होने वाली आय कई वर्षों तक प्राप्त होती रहती है। और ये जो आय है पूंजीगत परिसंपत्ति पर
निवेश से जो आय है वह भविष्य में मिलनी होती है और निवेशक को उसके बारे में ज्ञान नहीं होता। इसलिए निवेशक भविष्य में प्राप्त होने वाली आय का अनुमान ही लगा सकता है और यह अनुमान उसकी प्रत्याशाओं पर और एक्सपेक्टेशंस पर निर्भर करेगा। और दूसरी बात यह कि जो प्रतिफल निवेशक को मिलते हैं उसके बारे में हमें हमेशा ही ये तथ्य ध्यान में रखना होगा कि जो प्रतिफल निवेशक को भविष्य में मिलेंगे उनका वर्तमान जो मूल्य है वह कम होगा भविष्य की तुलना में। इसलिए निवेशक किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के पूरे जीवन काल में जो उसे प्रतिफल प्राप्त होते हैं उसकी तुलना वह उस पूंजी परिसंपत्ति की वर्तमान लागत से करता है और भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को वह उसका जो वर्तमान मूल्य है वह देखता है। तो पूंजी की सीमांत क्षमता दो बातों पर निर्भर करती है, जिसको हम कह सकते हैं कि पूंजी की सीमांत क्षमता पूंजी परिसंपत्ति की प्रत्याशित आय पर, द प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स ऑफ कैपिटल असेट पर, और उस पूंजी परिसंपत्ति के पूर्ति मूल्य पर, सप्लाई प्राइस ऑफ दैट कैपिटल असेट पर MEC निर्भर करेगी। विद्यार्थियों, जो पूंजी परिसंपत्ति की जो प्रत्याशित आय है यानी भावी आय है और जो पूर्ति कीमत है, इन दोनों अवधारणाओं को एक दूसरे से संबंधित करके कीन्स ने पूंजी की सीमांत क्षमता को इस प्रकार परिभाषित किया है। कीन्स कहते हैं कि पूंजी की सीमांत क्षमता बट्टे की उस दर के बराबर होती है जो पूंजी परिसंपत्ति के जीवन काल में प्राप्त होने वाले कुल वार्षिक प्रतिफलों की मात्रा के वर्तमान मूल्य को उसकी पूर्ति कीमत के बराबर कर दे। विद्यार्थियों, इस परिभाषा को समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एक तो है परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत, यानी किसी कैपिटल असेट को एक्वायर करने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए जो उद्यमी लागत लगाता है वह, और दूसरा उस परिसंपत्ति के जीवन काल में जो प्राप्तियां निवेशक को प्राप्त हो रही हैं उन प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य यहाँ पर लिया गया है। और इसको हम सूत्र रूप में कुछ इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, आपको उससे अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम MEC को किस रूप में देखेंगे। तो सूत्र के रूप में सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I प्लस R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I की पावर 2, और इसको आगे ले जाते हुए RN डिवाइडेड बाई 1 प्लस I की पावर N। तो यहाँ पर देखिए कि तीन चीज़ें हैं, एक तो है सप्लाई प्राइस SP, सप्लाई प्राइस पूंजी परिसंपत्ति की लागत, जिसको हम कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, यानी नई पूंजी परिसंपत्ति की पुनर्स्थापना लागत भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो निवेशक है किसी उपकरण या मशीनरी में जो निवेश कर रहा है उस परिसंपत्ति की, नई परिसंपत्ति की जो लागत है वह है यहाँ पर सप्लाई कॉस्ट है। दूसरा, यहाँ पर R1, R2, RN दिए हुए हैं, ये उस परिसंपत्ति से, हम उसको मशीन कह सकते हैं, उस मशीन से विभिन्न वर्षों में प्राप्त होने वाले प्रतिफल हैं। R1 प्रथम वर्ष में प्राप्त होने वाला प्रतिफल है, R2 द्वितीय वर्ष में प्राप्त होने वाला प्रतिफल है,
आर एन उस एनवे वर्ष में प्राप्त होना होने वाला प्रतिफल है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा कि निवेशक के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले जो प्रतिफल हैं या जो आय है उसका जो मूल्य वर्तमान में उसके लिए कम होगा। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई निवेशक है, वह वर्तमान में 90 रुपये प्राप्त करता है और मान लीजिए ब्याज की दर मान लीजिए 10% है तो उसे भविष्य में 100 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर भविष्य में प्राप्त होने वाले 100 रुपये का जो वर्तमान मूल्य है वह 90 रुपये 91 पैसे होगा हिसाब से, तो वह है। तो कहने का मतलब है कि निवेशक भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को डिस्काउंट करके उनका वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हैं और उसको सप्लाई कॉस्ट से हम तुलना करते हैं। तो जो आई है वह बट्टा दर है। कौन सी बट्टा दर? वह बट्टा दर जो पूंजी परिसंपत्ति के जीवन काल में भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को प्रतिफलों का जो वर्तमान मूल्य है उसको सप्लाई कॉस्ट के बराबर कर दे। विद्यार्थियों, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण ही ले लेते हैं हम। मान लीजिए नई पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत है 1000 रुपये, यानी एक निवेशक है वह पूंजी परिसंपत्ति या उपकरण खरीदने के लिए या मशीनरी खरीदने के लिए उसे 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है और उस मशीनरी का जीवन काल 2 वर्ष है और उस प्रथम वर्ष में उसे 550 रुपये की आय मिलती है और दूसरे वर्ष में उसे 605 रुपये की आय मिलती है। विद्यार्थियों, अब इस स्थिति में हम देखेंगे कि MEC 10% होगी। उसको हम इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे कि जो सप्लाई प्राइस है 1000 रुपये इज इक्वल टू 550 डिवाइड बाई 1.10, ये प्रथम वर्ष में प्राप्त होने वाली आय है, और 605 जो कि दूसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली आय है, और इसको डिवाइड किया 1.10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि जो डिस्काउंट रेट है वो है 0.10, दैट मीन्स 10% हुई, और जो एक साल बाद जो 550 रुपये प्राप्त होंगे उनका वर्तमान मूल्य 500 रुपये है। इसी प्रकार जो 605 रुपये द्वितीय वर्ष में प्राप्त होंगे उनका वर्तमान मूल्य 500 रुपये है। कब? जबकि डिस्काउंट रेट 10% है। इस स्थिति में यहाँ पर MEC 10% होगी क्योंकि जो पूंजी परिसंपत्ति है उससे भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रतिफलों का वर्तमान मूल्य 1000 रुपये 10% डिस्काउंट रेट पर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पूंजी की सीमांत क्षमता है वह एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को व्यक्त करती है, यानी जिसका मतलब है कि जो निवेशक है वह जो पूंजी की सीमांत क्षमता है उसकी कैलकुलेशन करके, हालांकि इसकी MEC की कैलकुलेशन या डिस्काउंट रेट की कैलकुलेशन आसान नहीं होती है, लेकिन इस कैलकुलेशन के माध्यम से निवेशक निवेश का निर्णय लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो निवेशक है वह
पूंजी परिसंपत्ति पर निवेश करने के लिए, किसी पूंजी परिसंपत्ति में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो निर्णय लेगा वह डिपेंड करेगा कि MEC क्या है, साथ में बाजार ब्याज दर क्या है। बाजार ब्याज दर को हमने R से डिनोट किया है और MEC हमारा I से हमने इसको डिनोट किया है, सूचित किया है। तो यदि I लेस देन R है, यानी जो सीमान पूंजी की सीमान क्षमता बाजार ब्याज दर से कम है, तो निवेश का निर्णय नहीं लिया जाएगा, निवेश लाभदायक नहीं होगा, निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। और यदि जो MEC है वह बाजार ब्याज दर से ज़्यादा है तो निवेश पर अनुकूल प्रभाव होगा। और जब MEC बाजार ब्याज दर के बराबर है तो निवेश पर निष्क्रिय प्रभाव होगा। तो विद्यार्थियों, निवेशक निवेश के बारे में निर्णय लेने के लिए MEC और बाजार ब्याज दर की तुलना करता है। और यदि बाजार ब्याज दर से MEC अधिक है तो निवेश करना लाभदायक होगा। विद्यार्थियों, MEC और बाजार ब्याज दर दोनों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन MEC बाजार ब्याज दर पर निर्भर नहीं करती, MEC बाजार ब्याज दर से स्वतंत्र है। और जब एक बार MEC की गणना कर ली जाती है तो फिर उसकी बाजार ब्याज दर से तुलना करके निवेश का निर्णय लिया जाता है। विद्यार्थियों, जो MEC है वह वक्र के रूप में ऋणात्मक ढाल वाला होता है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। यानी MEC वक्र का जो स्वरूप है वह ऋणात्मक ढाल वाला होता है। जैसे जैसे निवेश मात्रा बढ़ती है MEC घटती जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि निवेश मात्रा बढ़ने पर पूंजी परिसंपत्तियों की पूर्ति कीमत बढ़ती जाती है, और जब पूर्ति कीमत बढ़ती जाती है तो प्रतिफल कम प्राप्त होते हैं, प्रतिफल दर घटती जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि MEC दो तत्वों पर निर्भर करती है, पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत और भविष्य में प्राप्त होने वाली आय की जो श्रृंखलाएं हैं उन पर। तो जब पूर्ति कीमत बढ़ती है तो MEC घटती है, और निवेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ पूंजीगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से उन वस्तुओं की कीमतें ऊपर उठती चली जाती हैं, जिससे प्रत्याशित प्रतिफल भी कम हो जाता है। और दूसरा कारण है कि निवेश की मात्रा बढ़ने पर अधिकाधिक जब निवेश किया जाता है तो उत्पादन की जो तकनीक है वह पूंजी प्रधान यानी कैपिटल इंटेंसिव होने लगती है, और इससे पूंजी की सीमांत भौतिक उत्पादकता घटती जाती है, जिससे पूंजी की सीमांत क्षमता भी कम होती है। हालांकि कीन्स ने कहा है कि अल्पकाल में MEC घटने के लिए, MEC के ऋणात्मक ढाल के लिए जो ये पहला कारण है वही पर्याप्त होता है। तो निवेशक निवेश का निर्णय लेते समय MEC को ध्यान में रखते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बात करें तो हम निवेश मांग वक्र भी बना सकते हैं, और हमने इस दूसरे डायग्राम में हमने ओ एक्स अक्ष पर आयोजित निवेश लिया है, ओ वाई अक्ष पर हमने MEC लिया है और आर लिया है, ब्याज दर ली है, दोनों प्रतिशत रूप में हैं। तो जो ये कर्व दिखाई दे रहा है आपको, MEC लिखा हुआ है जिसके नीचे, ये MEC वक्र भी है और इसे निवेश मांग वक्र भी हम कहते हैं, क्योंकि ब्याज दर के साथ निवेश की मात्रा
संबंधित है। ब्याज दर घटने पर निवेश की मांग अधिक होती है, ब्याज दर बढ़ने पर निवेश की मांग कम होती है। अर्थव्यवस्था में संतुलन वहाँ होता है जहाँ पर जो MEC है वह ब्याज दर के बराबर हो जाती है। और हम देख चुके हैं कि निवेश की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ MEC कम होती जाती है, इस ई बिंदु पर संतुलन में है जहाँ पर MEC R के बराबर है। विद्यार्थियों, इस प्रकार MEC निवेश को निर्धारित करती है। और हमने देखा कि निवेश को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वह बाजार ब्याज दर है और MEC है, और MEC स्वयं दो तत्वों पर निर्भर करती है, पूंजी परिसंपत्तियों की पूर्ति कीमत और उनसे प्राप्त होने वाली प्रत्याशित आय। और विद्यार्थियों, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रत्याशित आय है वह एक्सपेक्टेशंस पर, प्रत्याशाओं पर, भविष्य में आय की प्रत्याशाओं पर निर्भर करती है। इसलिए जो MEC है वह अस्थिर किस्म की होती है, और इसी कारण जो निवेश है, खासतौर से जो निजी निवेश है, उसमें तीव्र गति से उतार चढ़ाव आते हैं, और निवेश में परिवर्तन होने के कारण ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उच्चावचन पैदा होते हैं। विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ आपको MEC का जो कंसेप्ट है वह समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।